तो दोस्तों मित्र, रूस की तरफ से आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है भारत के लिए, और इसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल आप सभी एक बात को जानते हो कि भारतीय वायुसेना में रशिया के Su-30 MKI 272 की संख्या में है, जिसको भारत के HAL ने आज से लगभग 15 से 20 साल पहले बनाया था। और यह जो Sukhoi-30 MKI है, अब इनमें मेंटेनेंस और रिपेयर का काफी सारा काम आ चुका है। और रूस ने हमसे कहा था कि Sukhoi-30 MKI की सर्विसिंग करने से अच्छा है कि इनको अपग्रेड करके सुपर सुखोई फाइटर जेट में बदल दिया जाए। अब दोस्तों सुपर सुखोई फाइटर जेट के माध्यम से अपने जो Sukhoi-30 MKI है वो चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट से बढ़कर 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें रशिया के Su-35 के रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवोनिक्स और इसके अलावा इंजन को लगाया जाएगा। साथ में इसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट है उसको भी चेंज किया जाएगा। और भारत को इस प्रोग्राम की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भारत के अपने दुश्मन देशों के साथ जो झगड़े हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसी समय मित्र, रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हो। दरअसल दोस्तों रशिया की जो कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, उसके जो अधिकारी हैं वो जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं, और इस दौरे के माध्यम से भारत के 150 से भी ज्यादा की संख्या में Sukhoi-30 MKI जो फाइटर जेट हैं उनको सुपर सुखोई में बदला जाएगा, जिसके बाद Sukhoi-30 MKI की रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एबुनिक्स, इंजन और इसके अलावा कॉकपिट को पूर्ण रूप से चेंज कर दिया जाएगा। साथ में इसमें एडवांस वेपन की जो किट है वो भी लगाई जाएगी, जिससे अपना जो सुपर सुखोई फाइटर जेट है वो राफेल के टक्कर का बन जाएगा। इसके अलावा जो बचे हुए Sukhoi-30 MKI हैं उनकी सर्विसिंग की जाएगी, और इसके अलावा 12 नए Sukhoi-30 MKI और 21 की संख्या में MiG-29 जो के फाइटर जेट हैं उनकी डील भी कंप्लीट होगी। फिलहाल में रशिया की तरफ से युद्ध में फंसे होने के बावजूद भी भारत की मदद के लिए जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।